नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus Nord CE 2 5G versus Infinix Note 12 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Nord CE 2 5G में 6.32 इंच जबकि Note 12 5G में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Nord CE 2 5G में 2.88 इंच जबकि Note 12 5G में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Nord CE 2 5G में 173 ग्राम्स जबकि Note 12 5G में 186 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि Nord CE 2 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Nord CE 2 5G में फ्लूइड AMOLED जबकि Note 12 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Nord CE 2 5G में 6.43 इंचेस जबकि Note 12 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Nord CE 2 5G में 84.91% जबकि Note 12 5G में 85.62% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Nord CE 2 5G में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Note 12 5G में 393 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Nord CE 2 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में तारांकन मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 12 5G की बात करें तो इसमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Nord CE 2 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 12 5G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Nord CE 2 5G में Mali G68 MC4 जबकि Note 12 5G में Mali G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Nord CE 2 5G में MediaTek Dimensity 900 MT6877 और Note 12 5G में MediaTek Dimensity 810 MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Nord CE 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है जबकि Note 12 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Nord CE 2 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Note 12 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Nord CE 2 5G में अप टू 1TB जबकि Note 12 5G में अप टू 2TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Nord CE 2 5G में Android V11 जबकि Note 12 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Nord CE 2 5G में 4500 mAh जबकि Note 12 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note CE 2 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 23,999 रुपीज, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीज में मिलता है। और बात करें Note 12 5G की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो OnePlus Note CE 2 5G में 8 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Note 12 5G की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Note CE 2 5G आगे है, मेन कैमरा में Note CE 2 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Note CE 2 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 16 प्रीमियर है, दूसरा Xiaomi Mi 10T 5G है, तीसरा Moto G 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 Pro है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।